अब क्वेश्चन फाइव क्या कह रहा है हमारा, ये वन माइनस आयोटा माइनस माइनस वन प्लस आयोटा इंटू सिक्स, इसको सॉल्व करके लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी ए प्लस आयोटा बी वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये है क्वेश्चन, है ना। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, वन माइनस आयोटा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं माइनस, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का वन, प्लस का सॉरी वन आयोटा नहीं है, प्लस का वन, और ये क्या हो गया, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, प्लस का वन, और ये हो गया माइनस का सिक्स आयोटा, तो वन और वन क्या हो गया टू, और ये क्या हो गया माइनस वन और माइनस सिक्स आयोटा यानी कि माइनस का सेवन आयोटा, तो हमारा ये क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सारे आपको ऐसे लिख के मिलेंगे, तो ये तो सिर्फ बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें आप मेरे को ये बता दो, एक चीज़ आती है कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे गिवन हो ए प्लस आयोटा बी, तो इसका मतलब ए जो होता है ना ये होता है हमारा रियल पार्ट, और जो ये आयोटा के साथ होता है ये होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारा, इसको बोलते हैं आर ई जेड और इसको बोलते हैं आई एम जेड। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो गिवन क्वेश्चन है हमारा, इसका जो आंसर आया यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना ये हमारा, तो इसमें आर ई जेड की वैल्यू क्या है टू, और आई एम जेड की वैल्यू क्या है जो माइनस है उसके साथ लेना है माइनस सेवन, समझ रहे हो बात को। अगर ये प्लस का होता, देखो टू प्लस सेवन आयटा होता, तो आप मुझे बता सकते हो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसमें एक तो आर ई जेड की वैल्यू बतानी है और एक आई एम जेड की वैल्यू बतानी है। तो रियल पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा नहीं होता, तो आंसर है टू, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, और जो आयोटा के साथ है वो हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट, तो ये सेवन आ गया। अगर ये होता माइनस टू प्लस सेवन आयोटा या टू माइनस सेवन आयोटा या माइनस टू माइनस सेवन आयोटा, कोई भी दो नंबर जो होते हैं वो इस तरह से लिखे जा सकते हैं चार तरीके से, एक बार दोनों प्लस, एक बार दोनों माइनस, एक बार एक माइनस एक प्लस, एक बार एक प्लस एक माइनस। तो इसके केस में ये दोनों आ गए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब देखो इसके लिए बताओ कि इसका रियल पार्ट क्या होता, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, इसका रियल पार्ट माइनस टू होता और इमेजिनरी पार्ट प्लस का सेवन होता। इसके केस में बताओ इसका रियल पार्ट टू होता प्लस का और इमेजिनरी पार्ट माइनस का सेवन होता, समझ आ रही है बात। इसका बता दो रियल पार्ट कितना होता, इसका भी माइनस टू होता और इमेजिनरी पार्ट क्या होता इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, माइनस सेवन होता। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इजीली स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, ये तो देखो ऊपर न्यूमरेटर है इसके सारे के नीचे में, आप डिनोमिनेटर में वन मान सकते हो ना, या इसके नीचे भी वन और इसके नीचे भी वन, तो एलसीएम वन आएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर बच गया। तो ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है जिसमें न्यूमरेटर में ही वैल्यू दे रखी है, आगे अगले क्वेश्चन हैं जिनमें डिनोमिनेटर में भी दे रखा है, तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है, तो उसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म यही आएगा, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। क्योंकि देखो जो भी नंबर्स है ना रियल में आएंगे तो रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी आ सकता है, ये रियल पार्ट रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, क्योंकि रियल है ये, यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं लिखा हमने, नेचुरल पार्ट नहीं लिखा है, इसको रियल पार्ट लिखा है, इमेजिनरी पार्ट इसलिए लिखा है क्योंकि आयटा के साथ वाला है। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ।